दिल्ली में कल देर रात तक चली राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बैठक में तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बना प्लान। बैठक में पीएम के मानगढ़ दौरे को लेकर भी हुई तैयारी की चर्चा। बैठक में राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था, एनसीआरबी के आंकड़ों, महिला और दलित अत्याचार, रेप और हत्या की घटनाओं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रोग्राम बना। प्रदेश कोर कमेटी से मांगा गया। बैठक खत्म होने के बाद ओम माथुर और सुंदर राजे समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी मुख्यालय से बिना मीडिया से बात किए चले गए। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर उदयपुर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बारा के छाबड़ा में 250 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया बौद्ध धर्म। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नदी में फेंका। गाँव के ही लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का। अरुणाचल प्रदेश में हुए दुखद विमान क्रैश हादसे में राजस्थान के 2 जवान शहीद। एक जवान झुंझुनू के पोसाना गांव का रहने वाला रोहिताशो खैरवा, जबकि दूसरा जवान उदयपुर के खेरोदा का रहने वाला मुस्तफा जकीउद्दीन। दिवाली से पहले पिंक सिटी में 52 एकड़ भूमि पर बने बहुप्रतीक्षित मानसरोवर सिटी पार्क का मुख्यमंत्री गहलोत ने फीता काट का लोकार्पण किया। जयपुर राइट्स को एक बड़ी सौगात दी। जयपुर राइट्स अब सिटी पार्क में बने 3.352 किलोमीटर की जॉगिंग ट्रैक पर म्यूजिक के बीच वॉक कर पाएंगे। कोटा में ओम बिरला बोले, आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत समाज के आज बदलाव देखा जा रहा है। जो हमारी परंपरागत चीजें भी थी उन पर लोग वापस आ रहे हैं। लोगों से मिट्टी के दिए ज्यादा प्रभावित उनको कर रहे हैं और उन्होंने मिट्टी के दिए जलाने की अपील। सवाई माधोपुर में बंदूक की नोक पर बैंक में लूट। आलमपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से 7.5 लाख रुपए लूट कर भागे बदमाश। 3 बदमाशों ने वारदातों को दिया अंजाम। सवाईमाधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद चेयरमैन विमल महावर ट्रैप, 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बिजली के लिए बिल पास कराने के एवज में मांगी थी घूस। जयपुर के कोटपुतली में 35,000 की रिश्वत लेते पटवारी कमलेश जाट गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण एसीबी की टीम ने की गिरफ्तारी। परिवादी से जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में मांगे थे 50,000 रुपए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में 29 अगस्त को मणिपुरम गोल्ड लोन ऑफिस में हुए करीब 24 किलो सोने के लूट के मामले का खुलासा। 2 महीने बाद पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी लूट का माल नहीं लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट में नगर निगम ग्रेटर के पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने और 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने के अयोग्य घोषित करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सौम्या की याचिका पर सुनवाई 2 नवम्बर तक टाल दी गई है। सवाईमाधोपुर जिले के बहरवाड़ा में खुद कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किराना दुकान का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थ, तेल, घी, बेसन सहित पैकेजिंग फूड की जांच की और दुकानदारों से शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने के लिए समझाइश की। जयपुर में आग की बढ़ती घटनाओं और कॉल रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए फायर सर्विस को और मजबूत बनाने की तैयारी हो रही है। दिवाली से पहले नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र को 7 नई गाड़ियां मिली हैं। नई 7 दमकल गाड़ियों को नगर निगम ग्रेटर मेयर शील धाबाई और आयुक्त महेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के बांसू थाना पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कलाकंद से भरी हुई पिकअप गाड़ी समेत 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने 1,500 किलो मिलावटी कलाकंद के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। झुंझुनू जिले के चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले भर में 291 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। अलवर के बांसू थाना पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मिलावटी कलाकंद से भरी हुई पिकअप गाड़ी पकड़ी, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के कोटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। जानलेवा हमले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था कुख्यात अपराधी। अजमेर के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेला को रद्द करने के निर्णय के खिलाफ उतरा एमबीसी समाज। उपखंड अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। प्रशासन को दी 3 दिन की मोहलत।
मंत्री उदयलाल अंजना चित्तौड़गढ़ के निमोड़ा के दौरे पर रहे। मंत्री ने इंदिरा रसोई में आमजन को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, साथ ही खुद भी भोजन की थाली का टोकन कटवाकर रसोई घर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले की मांग को लेकर चौथे दिन भी शहीद स्मारक पर धरना और अनशन जारी रहा। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के बैनर तले अनशन पर बैठे शिक्षकों की तबीयत लगातार बिगड़ने के बाद भी धरने पर बैठे सभी शिक्षक। अलवर के कठुमार में सांसद रंजीता कोहली से कठुमर सरपंच संघ ने पंचायत समिति परिसर में मुलाकात कर विभिन्न मांगे रखी। इस दौरान सरपंच संघ ने सांसद रंजीता कोहली से विकास कार्यों के लिए सांसद निधि से राशि आवंटित करने और पानी के टैंकरों से वंचित रही ग्राम पंचायतों को दिलाने की मांग की। राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जोधपुर दौरे पर है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत जोधपुर की सरस डेयरी का अवलोकन किया और कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान मुख्यालय का निरीक्षण आज करेंगे। रेल मंत्री जयपुर रेलवे स्टेशन और गांधीनगर स्टेशन का दौरा भी करेंगे। चित्तौड़गढ़ में दिवाली पर अनूठी पहल। शहर की दो दर्जन कच्ची बस्तियों और पिछले इलाकों में घर घर जाकर मिठाई और फुलझड़ी के पैकेट बांटे जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से मिलजुल कर पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने का आह्वान किया। अजमेर के ब्यावर में धनतेरस दीपावली और भाई दूज पर्व के दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान भीड़ भाड़ को देखते हुए कई निर्णय लिए गए। जयपुर में प्रेस क्लब का 31वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तीसरे दिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पत्रकारों का सम्मान किया। मंत्री शकुंतला रावत अलवर के बांसुर के रामपुर और उचपुर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने कस्बे में करीब 3 दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों का उद्घाटन किया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 14 में बड़ा एक्शन लिया है। दस्ते ने 1 बीघा कृषि भूमि पर बने निर्माणाधीन अवैध व्यवसायिक फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। कुसुमा देवी जाटों के चेहरे पर उस वक्त खुशी छलक पड़ी जब दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने उसे पति की मौत के 36 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा। पाली जिले के मारवाड जंक्शन उपखंड पर नगर पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का विधायक और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान इंदिरा रसोई की भोजन की गुणवत्ता की जांच की। सचिन पायलट ने अपने जयपुर निवास पर कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों से मुलाकात कर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजभवन में दिवाली से पहले कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को मिठाई और उपहार बांटे गए। डूंगरपुर जिले के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जिला परिषद सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर लाल डूडी का लक्ष्मणगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेशवासियों और समर्थकों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। जिक्र में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ट्रेवल्स बस के जरिए ले जाए जा रहे 500 किलो दूषित मावे को खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट करवाया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना, आरोपी असलम को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिए आपसी राजीनामे से केस मुकदमों का निस्तारण हो रहा है, अब इसे और अधिक आसान बना दिया गया। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण ऐप के जरिए लोगों की समस्याओं को सुलझाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन से 8 साल से फरार हत्या लूट के नामी बदमाश को कपासन पुलिस ने घर से दबोच लिया। जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी का खुलासा करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से हरमाड़ा इलाके से चोरी हुई स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर ली गई। जोधपुर के बालेसर थाना इलाके में 4 वर्षीय मासूम के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डूंगरपुर जिले के बिलड़ी गांव के पास एक ऑटो ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक घर से सामान लाने के लिए निकला था।
सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में हीरा नगर के पास होद में डूबने से 2 साल की मासूम का मौत का मामला सामने आया। अलवर के मुंडावर उपखंड क्षेत्र साबी नदी क्षेत्र में सड़क मार्ग के पास अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने नदी क्षेत्र के शव पड़े होने की सूचना मुंडावर थाना पुलिस को दी। बाड़मेर के बालोतरा में शहरी रोजगार गारंटी से जुड़े मजदूरों में विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने नगर परिषद के सामने रास्ता जाम कर कम मजदूरी मिलने का विरोध किया। वहीं मजदूरों ने उपखंड कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। प्रदेश में फरवरी महीने में होने वाली शिक्षक भर्ती लेवल 2 में राज्य सरकार द्वारा पद घटाए जाने के बाद लेवल 2 के अभ्यर्थियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में डूंगरपुर जिले में भी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने शहर में रैली ली। अजमेर के ब्यावर में महिला मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित चौकटी पर महिला मजदूर के लिए छाया और शौचालय की व्यवस्था करवाने की मांग की है। संगठन पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बाड़मेर जिले के बोर्दी गांव में कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर दबा, अस्पताल में मजदूर की मौत। बेंगू के गांव हरिपुरा में अज्ञात कारणों से लगी 3 बाड़ों में आग से किसानों को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग से गांव में अफरा तफरी का माहौल था। राजसमंद पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ आयोजित। SP सुधीर चौधरी ने शहीदों को किया नमन। वहीं पुलिस लाइन में लगाए पौधे। टोंक में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश में शहीद हुए पुलिस अधिकारी और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नागौर में माउंट एवरेस्ट तक साइकिल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन को जागरूक कर रहे पप्पू चौधरी चूरू पहुंचे। पप्पू चौधरी के चूरू पहुंचने पर कलेक्ट्रेट स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में सदस्यों ने पप्पू चौधरी की सराहना। टोंक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक मनीष के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार में सेल सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। अजमेर के पीसांगन स्थित थाना परिसर में थानाधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थानाधिकारी ने दीपावली समेत अन्य त्योहारों को लेकर भी शांति समिति सदस्य ग्राम रक्षक और जनप्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर बात। अनूपगढ़ के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्रा नंदिनी सुधार ने राज्य स्तर पर आयोजित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता में परचम लहरा दिया। नंदिनी सुधार इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शहीदों के सम्मान में SP अनिल बेनीवाल ने अमर जवान स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर परिसर में पौधा भी लगाया। बारा में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान शोक सम्मान परेड का आयोजन भी किया गया। पुलिस लाइन में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को किया गया याद। पुलिस लाइन में हुआ समारोह का आयोजन। SP सहित अन्य पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने भी श्रद्धांजलि दी। करीब 50 पुलिस कर्मियों ने रक्तदान भी किया। चूरू के पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस पर SP दिगत आनंद ने पुलिस के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर SP दिगत आनंद ने पौधरोपण भी किया। पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। शहीद पुलिस दिवस के अवसर पर झालावाड़ में पुलिस परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SP रेचा तोमर सहित कई पुलिस अधिकारियों ने शहीद पुलिस जवानों को पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट में लोगों के गुम हुए मोबाइल को वापस रिकवर करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साइबर टीम और थाने की टीमों की मदद से पुलिस ने गुम और चोरी हुए करीब 115 मोबाइल फोन को बरामद करने में कामयाबी हासिल की। भीलवाड़ा जिले के राला क्षेत्र में स्थित सरेरी बांध के पानी को लेकर जल वितरण बैठक का आयोजन किया गया। सरेरी डाक बंगले पर पंचायत समिति अड्डा प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। प्रधान राठौड़ ने किसानों से की पानी के सदुपयोग करने की अपील। बनेला पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई, लेकिन विधायक के लेट आने से बैठक 1 घंटा लेट शुरू हुई। बैठक में विकास अधिकारी गणेश नारायण शर्मा ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया।
जोधपुर में फेस्टिवल सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भाड़ है, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, इसके चलते पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा एमएस कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 130 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री का जॉब गिफ्ट, आज 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नौकरी की चिट्ठी, इन युवाओं से वर्चुअली संवाद भी करेंगे पीएम। पीएम मोदी आज देश के सबसे बड़े रोजगार मेले की करेंगे शुरुआत, दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य। धनतेरस पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश को देंगे नई सौगात, 4,51,000 गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर, 17 में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। धनतेरस के मौके पर सतना में गृह प्रवेशम का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम शिवराज हितग्राहियों को सौंपेंगे घर की चाबी। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए रामनगरी पूरी तरीके से तैयार, लेजर शो में जगमग नजर आ रही है अयोध्या की नगरी। 20 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, राम की पैड़ी पर दिए लगाने के काम में जुटे हैं छात्र। उन्नाव में 1,25,000 दियों से जगमगाए गंगा के घाट, गंगा आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। मोदी का अयोध्या दौरे को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, गलती की नहीं होनी चाहिए गुंजाइश, सफल आयोजन के लिए पूर्वाभ्यास पर दे दिया। त्योहारों के दौरान नहीं थमेंगे यूपी रोडवेज बसों के पहिए, 22-31 अक्टूबर तक चालकों परिचालकों की छुट्टियां रद्द, रोडवेज कर्मियों के प्रोत्साहन राशि भी देगी सरकार। अयोध्या के सरयू तट पर रामायण कालीन चित्रों का रेत के जरिए चित्रण, काशी विद्यापीठ फाइन आर्ट्स के छात्रों का कमाल। गंगा के तट पर नर्मदा नदी होगी प्रदूषण मुक्त, एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बनाई योजना, घाटों पर लगाए जाएंगे फ्लोटिंग सिस्टम। भोपाल में भारत पेट्रोलियम डिपो की पाइपलाइन में धमाका, हादसे में 7 कर्मचारी बुरी तरीके से घायल, भोपाल कलेक्टर ने दिए मामले में जांच के आदेश। इंदौर के चर्चित टीवी एक्ट्रेस वैशाली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, उनकी चचेरी बहन के मुताबिक राहुल लवलानी ने वैशाली को थप्पड़ मारा था, उसी के बाद से वैशाली डिप्रेशन में आ गई थी। वैशाली के चचेरी बहन के मुताबिक राहुल को पहले से पता था कि वैशाली ठक्कर सुसाइड करने वाली है, उसे 6 घंटे पहले ही वैशाली का सुसाइड नोट मिल गया था। असम में पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, कामरूप जिले से हुई 4 की गिरफ्तारी। पटना के बेउर जेल में पुलिस और प्रशासन की छापेमारी, कैदियों के पास से 19 मोबाइल फोन जब्त। जेल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा, युवक पर देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज। झारखंड के चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप, दोस्त के साथ बाइक से घूमने गई थी युवती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ मारपीट, सीसीटीवी में मारपीट की पूरी वारदात कैद। यूपी के संत कबीर नगर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 7 महिलाओं समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कॉन्वेंट स्कूल में रैगिंग, सीनियर छात्रों ने 9वीं के छात्र को बेरहमी से पीटा, गंदे तालाब में घंटों तक छात्र को मुर्गा बनाया। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरएसएस के प्रति बढ़ा रुझान, 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम युवा आरएसएस से जुड़े। श्री महाकाल लोक में गैर हिंदुओं के बेवजह घूमने को लेकर बजरंग दल ने जताई आपत्ति, परिसर में घूमते कई संदिग्ध मुस्लिम युवक पकड़े जा रहे। यूपी के एटा में ट्रक रोकने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर के बीच मारपीट, नो एंट्री में जाने से रोकने के लिए ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक सिपाही को पीटा। मध्य प्रदेश के खरगोन में डॉग अटैक से गई 5 साल के मासूम की जान, इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, हजरगंज चौराहे की घटना। प्रयागराज में चलती कार में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगाने की आशंका जताई जा रही। कानपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, छात्रों में मामूली विवाद के बीच मारपीट। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने पटाखों की होम डिलीवरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने 400 किलो पटाखे जब्त किए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने चलाए दीप जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन, गोपाल राय ने दिए जलाकर पटाखा मुक्त दिवाली का
संदेश दिया। गोरखपुर में बीजेपी नेता का महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, जमीन विवाद में विधवा से मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के पीतमपुरम में बनेगा ई व्हीकल पार्क, सीएम शिवराज ने ट्विटर कर दी जानकारी, बोले ई व्हीकल पार्क की घोषणा करते हुए हो रही है खुशी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी जेल जा सकते हैं। आतंकिस्तान पर एफएटीएफ मेहरबान, 4 साल बाद ग्रेट लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान, रूस पर एफएटीएफ की गिरी गाज, म्यांमार को भी ग्रेट लिस्ट में डाला।